तो करोड़ों हिंदुओं ने आस्थानु प्रतीक एवं सोमनाथ मंदिर पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदीए विवादित निवेदन आप्यू, जेमा साजिद रशीदीए सोमनाथ मंदिर पर हुमला ने योग्य ठेरव्यो अने कह्युं के सोमनाथ मंदिर में महिलाओं ने गायब करवामां आवी रही हती। मौलाना साजिद रशीद निवेदन ने कारण अत्यारे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पोलिस फरियाद नोंधावाई छे। समग्र मामले कड़क कार्यवाही करवानी मांग पण कराई। सोमनाथ मंदिर विषय विवादित टिप्पणी करनार विधर्मी विरुद्ध फरियाद नोंधवामां आवी। सोमनाथ ट्रस्टना जनरल मैनेजर विजयसिंह चावड़ानी फरियादना आधारे पोलीसे गुनो नोंधी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहां के लोगों ने आकर उनको बताया, वहां की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहां लड़कियों को कैसे जो है लापता कर दिया जाता है। और उसके बाद में भी गजनवी ने वहां बाकायदा मुआयना कराया, पता कराया, अपने सीआईडी भेजे। जब पता चला कि हाँ ऐसा है, तब जाकर सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहां जो गलत कार्य हो रहे थे उसको खत्म करने का काम किया है। एक वीडियो जो जेमा मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी का जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ना प्रमुख है, एमने एएनआई न्यूज चैनल ने इंटरव्यू में सोमनाथ मंदिर विषय तद्दन खोटी और अभद्र भाषा में टिप्पणी करी थी। इंटरव्यू में तेमणे मंदिर विषय साव तद्दन खोटी अभद्र और उश्केरणीजनक निवेदनों आपेला, जेमा तेणे जणाव्युं के सोमनाथ मंदिर में आस्थाना नाम पर देवी देवताओं नामे छोकरीओ गुम करवामां आवती, अने जेथी करीने गजनवीए पोतानी सीआईडी मोकली तपास करावड़ावी अने मंदिर उपर हुमलो कर्यो हतो। आवी खोटी तद्दन खोटी अने अभद्र उश्केरणीजनक टिप्पणी करी हती, जेथी करीने करोड़ों हिंदुओना आस्था उपर ने ठेस पहोंची छे। दिल्ली खाते मौलाना अहमद मोहम्मद साजिद एमने एक सोमनाथ मंदिर बाबते टिप्पणी करेली के सोमनाथ मंदिर में एक तो जे भूतकाळ में जे हुमलो थयेलो एने जस्टिफाई करवानो ट्राय करेलो, ए उपरांत हिंदू धर्म नी लागणी दुभाई ए बाबतना अमुक निवेदनो करेला, ए बाबतनी फरियाद अमने आज रोज मळी छे। सोमनाथ ट्रस्ट तरफथी अमे फरियाद दाखल करी दीधी छे अने ए तपास आगळ प्रभास पाटण पीआई करी रह्या छे अने एमां अमे व्यवस्थित तपास करवाना छे। आरोपी एक इंटरव्यू में नेशनल चेनल में आ विगतो आपेली छे अने एना आधारे अमे गुनो दाखल कर्यो छे। गुनो आईपीसी 153A 295A मुजब दाखल थयो छे।